नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाने की बर्फी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में एकदम सॉफ्ट डिफरेंट स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। ये एक कप साबूदाना। साबूदाने तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है एकदम बारीक, एक ये मीडियम और एक बड़ा वाला जिसे तलते हैं। ये मीडियम वाला साबूदाना, इन्हें क्लीन करने के लिए हमने किचन टॉवल को धोकर अच्छी तरीके से निचोड़ कर ले लिया है। हल्का गीला है ये। साबूदाने इसके ऊपर डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से पोंछते हैं। हल्के गीले कपड़े से इसे हम पोंछ लेंगे तो कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो साफ हो जाएगी। साबूदाने को अच्छी तरह से साफ कर लिया, अब इसे भूनेंगे। तो आइए गैस के पास। इसे भूनने के लिए हमने ये पैन ले लिया, साबूदाना इसके अंदर। अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, एकदम ये क्रिस्प हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे पीसने से पहले इसे थोड़ा भून ले तो इसका पाउडर बड़ी आसानी से बारीक बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने इन्हें गीले कपड़े से पोंछा था तो हल्के से नरम थे, लेकिन अब ये करारे हो गए हैं। थोड़ी देर और भूनते हैं इन्हें। इन्हें मैंने 10 मिनट भून लिया है, खुशबू निकलने लगी है इनसे और कलर भी आप देख रहे हैं हल्का से चेंज हो गया है। फ्लेम बंद कर देती हूँ। चेक करने के लिए आप एक साबूदाना खाएं, एकदम इतना क्रिस्पी और अच्छा लगने लगता है, वो पता चल जाता है ये भून गया। लेकिन आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो उस समय आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? तब आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि एक दो साबूदाना लें और इसे कूट कर देखें। कच्चे साबूदाने को कूट कर देखेंगे वो बिल्कुल भी चूरा नहीं होगा, और भुना हुआ साबूदाना है तो ये फटाफट से चूरा हो जाएगा। देखिए, मैं 3-4 साबूदाने इसमें डाल देती हूँ और इन्हें तोड़ कर देखते हैं। देखिए, जरा सा मैं बहुत धीरे से कर रही हूँ और ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जा रहा है। साबूदाने अच्छे क्रिस्प हो गए हैं और इन्हें भूनने में 10 मिनट लगे हैं। इसे बोल में निकाल कर हल्का ठंडा कर लेते हैं। दूध गाढ़ा करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली, इसको थोड़ा सा पानी डाल के धो लेते हैं, गीला कर लेते हैं। इसे गीला कर ले तो दूध कढ़ाई में जल्दी से लगता नहीं है। और ये लिया है हमने 3 कप फुल क्रीम दूध, 750 मिलीलीटर। फ्लेम को तेज करेंगे और सबसे पहले इसमें उबाल आने देते हैं। दूध को हम चौड़ी कढ़ाई में गाढ़ा कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। दूध में उबाल आ रहा है, इसे उबाल आने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। फ्लेम हाई है, इसे अभी हम हाई फ्लेम पर ही उबलने देंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और स्पैतुला कढ़ाई के तले में चलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब तक ये साबूदाने ठंडे हो चुके हैं, इनका पाउडर बनाते हैं पीस कर। ये जार ले लिया और अब इन्हें एकदम बारीक पीस लेते हैं। और ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन गया, लेकिन फिर भी एक बार इसे छान लेते हैं। और ये देखिए पूरा छन गया है, पाउडर बहुत अच्छा बना था। उबाल आने के बाद इसे 10 मिनट और कुक कर लिया और दूध पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे चलाती रह रही हूँ। हमने इसे 10 मिनट और कुक कर लिया, यानी उबाल आने के बाद टोटल 20 मिनट कुक कर लिया है। और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। इसे हम तेज फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में चला रहे हैं। अगर आपके पास ताजा मलाई है तो दूध की जगह 1 कप मलाई लीजिए, 1/2 कप दूध डाल दीजिए और उसमें उबाल आने दीजिए। बाकी आगे इसी तरह से बनाना है। और अब ये सफिशियंट गाढ़ा है, ये 1/4 कप चीनी, इसको दूध में डालते हैं और चीनी के घुलने तक और कुक करते हैं। चीनी पूरी तरह से दूध में घुल गई है, फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इस दूध चीनी मिक्स को मैं दूसरी गैस पर रख देती हूँ। और अब हमने एक और कढ़ाई ले ली, इस कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप घी, वजन में 50 ग्राम। 3 टेबल स्पून घी ले लीजिए। घी मेल्ट हो गया, अब जो पाउडर हमने बनाया था वो इस घी में डाल देते हैं। फ्लेम को धीमा कर दिया है। हमने साबूदाने पहले ही भून लिए थे तो ये आटा भुना ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। और इसी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, 1 टेबल स्पून बादाम कतरन और 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू।
इनको इसी के साथ भून लेते हैं, ये भी क्रिस्प हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसे हमने 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अच्छी सी महक आ रही है इसमें से, कलर हल्का सा चेंज हो गया है और देखिए बिल्कुल रवा जैसा लग रहा है, जैसे आप रवा भूनते हैं ना। फ्लेम को एकदम धीमा कर देते हैं और ये जो दूध और चीनी मिक्स रखा है इसे इसमें डाल देते हैं। अब इसे मिलाते हुए धीमी फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ये हमने 5-6 इलायची को कूट कर दरदरा पाउडर बना के ले लिया है, इसे डालकर मिलाते हैं। इससे बर्फी में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने इसे 2 मिनट ही कुक किया है और फटाफट ये डो की फॉर्म में आ गई है, एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। तो आपको इसमें ना चाशनी बनानी पड़ी, ना कोई तार देखने पड़े, इसमें से घी भी निकलने लगा है। तो ये कुक होके तैयार हो गई, अब इसे जमा लेते हैं। फ्लेम बंद, और ये हमने ले ली ट्रे, इसे ग्रीज कर लिया है। इस मिक्स को हम इस ट्रे में डाल देंगे। चम्मच के पीछे हल्का सा घी लगा लिया है, इससे मैं एक जैसा कर देती हूँ इसे, तो थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता कतरन डाल के गार्निश कर देते हैं और इन्हें चम्मच से इसके अंदर दबा देते हैं। अब रख देंगे इसे सेट होने के लिए। ये सेट हो जाएगी, मिलते हैं फिर। इसे हमने 2 घंटे रखकर ले लिया है और ये अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब इसे काट लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े जैसे चाहें बना सकते हैं। निकाल कर देखते हैं। देखिए बिना गर्म किए ही ये पीसेस बड़े आसानी से निकल रहे हैं। तो इसे हमने काट कर तैयार कर लिया। साबूदाने की बर्फी बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साबूदाने भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें और पीसते समय इसको एकदम बारीक पीसें, छान लें और जो मोटा बचे फिर दोबारा पीस कर छान लें। दूध जो आपका गाढ़ा हो रहा है उसे बार बार चलाते रहें, वो लगना नहीं चाहिए। और जो आपने साबूदाने का आटा बनाया है उसे भी लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें और बस दोनों को मिला के डो फॉर्म में आने तक कुक करना है और बर्फी जमा देनी है। आप बहुत अच्छे साबूदाने की बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे नवरात्रि में ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।